So hey guys, it's Mr. Nanta and you're watching the Subscribe channel. So guys, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करने जा रहे हैं बेकी L3 स्मार्टवॉच का, जो कि वन ऑफ द बजट फ्रेंडली स्मार्टवॉच है विद टन्स ऑफ अमेजिंग फीचर्स। सो अगर आप एक न्यू स्मार्टवॉच लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो को द लाइक, चैनल को द सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बात करें बॉक्स पैकेजिंग की तो आपको कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे, सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी स्मार्टवॉच इटसेल्फ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी छोटा सा बॉक्स जिसमें आपको देखने को मिल जाती है USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जो कि आपको हर एक लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाता है। सो गाइस, बात करें स्मार्ट वॉच की फर्स्ट लुक एंड ओवरव्यू की तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 1.2 इंच का 240x240 रेजोल्यूशन का टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले। लेफ्ट साइड पे आपको देखने मिल जाता है स्पीकर, USB चार्जिंग केबल स्लॉट एंड आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे आपको 3 फिजिकल बटन देखने को मिल जाते हैं एंड वॉच के ठीक पीछे साइड आपको देखने को मिल जाता है हार्ट रेट सेंसर। एंड गाइस, स्मार्ट वॉच का जो ओवरऑल बिल्ड है वो LONTP का एंड वॉच का जो स्ट्रैप है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसको पहनने में आपको कोई भी इचिनेस नहीं होगा। बात करें स्मार्ट वॉच के फीचर्स की तो आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको हर एक फीचर डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो गाइस, बात करें वॉच फेसेस की तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप सिंपली स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके व्यू कर सकते हो। एंड जो भी वॉच फेस आपको पसंद आता है आप सिंपली ओके पर टाइप करके कुछ सेट एज वॉच फेस कर सकते हो। एंड गाइस, उसके बाद जैसे आप स्क्रीन पे स्लाइड डाउन करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्विक टॉगल, जहाँ पे आप जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, बैटरी देख सकते हो एंड यहाँ पे आप D&D मोड एक्टिवेट कर सकते हो। एंड इस स्मार्ट वॉच में आपको व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है एंड ब्राइटनेस आप काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको इसको आउटडोर में यूज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बात करें स्मार्ट वॉच के फीचर की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है फोन का। जैसे आप फोन वाले फीचर पर टाइप करते हैं आपको डायलर, फोन बुक, कॉल लॉक्स एंड आपको यहाँ पे मैसेजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डायलर पर जाके आप यहाँ पे किसी को भी कॉल कर सकते हो डायल करके। फिर उसके बाद तो आपको पता ही, यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो है फोन बुक का। जैसे आप फोन बुक पर टाइप करोगे यहाँ पे आप अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर पाओगे एंड कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है क्विक सर्च का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप किसी भी कॉन्टैक्ट को अल्फाबेटिकली सर्च कर सकते हो। एंड गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर देखने को मिल जाता है वो है कॉल हिस्ट्री का। इस पर टाइप करके आप अपनी सारी की सारी कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉग्स देख सकते हो। एंड जो यहाँ पे लास्ट फीचर है वो है मैसेजिंग का। जैसे आप मैसेजिंग पर टाइप करोगे यहाँ पे आप अपने फ़ोन में जो भी मैसेजेस आए वो यहाँ से देख सकते हो एंड आप उनको यहीं से रिप्लाई भी कर सकते हो। एंड गाइस, इस स्मार्ट वॉच में आप जो है डायरेक्टली स्मार्ट वॉच से किसी भी कॉल को पिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको माइक्रोफोन एंड स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। कॉल को आप कॉन्फ्रेंस में भी ले सकते हो, बट ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा। एंड गाइस, बात करें नेक्स्ट फीचर की जो कि है ब्लूटूथ का। सो इस फीचर में जाके आपको अपने स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट फीचर है वो है नोटिफायर का। इस फीचर को यूज़ करके आप लोग अपने स्मार्टफोन की सारी नोटिफिकेशन यही देख सकते हो, लाइक व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, हर एक मैसेज आप यहाँ पे देख सकते हो एंड सारी की सारी नोटिफिकेशन भी। सो गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि हेल्थ का। इस फीचर को यूज़ करके आप लोग जो अपने हार्ट रेट, पेडोमीटर, स्लीप और सैनिटरी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। जैसे आप हार्ट रेट पर टैप करोगे यहाँ पे आप लोग जो अपने हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। मेजर करने के लिए आपको स्मार्ट वॉच को ऑब्वियसली अपने हाथ में पहनना पड़ेगा एंड ये 80% तक हार्ट रेट एक्यूरेट बता देता है। जो नेक्स्ट फीचर है वो है पेडोमीटर का। इसको यूज़ करके आप लोग जो अपने फूड स्टेप, कितना आपने कैलोरीज बर्न किया है एंड कितना किलोमीटर आप चले हो उसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप गोल सेट कर सकते हो, हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो एंड और भी आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप स्लीप को भी मॉनिटर कर सकते हो कि कितना घंटा आप सोए थे। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे जो सैनिटरी वाला फीचर है उसको यूज़ करके आप लोग यहाँ पे कोई रिमाइंडर सेट कर सकते हो एंड उस वक्त आपको यहाँ पे रिमाइंडर का पॉपअप देखने को मिल जाएगा एंड ऐसे आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं हेल्थ ट्रैकिंग से रिलेटेड। सो गाइस, जो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है वो है स्पोर्ट्स मोड का। सो गाइस, इस फीचर को यूज़ करके आप लोग जो अपनी सारी की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मॉनिटर ट्रैक कर सकते हो, लाइक रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, बाइकिंग एक्सेट्रा। इस फीचर को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस इस चीज़ का याद रखना, इस फीचर को यूज़ करके आप लोग जो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो। सो गाइस, जो नेक्स्ट फीचर है वो है टूल्स का। इस फीचर में आपको अलार्म, कैलकुलेटर, कैलेंडर एंड स्टॉपवॉच देखने को मिल जाता है। अलार्म पर जाके आप यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हो सिंपली प्लस वाले आइकन पर टैप करके एंड जैसे अलार्म का आपका टाइम होगा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट फीचर है वो है कैलकुलेटर का। इसका इस्तेमाल करके आप छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है वो है कैलेंडर का। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कैलेंडर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप फुली कैलेंडर को व्यू कर सकते हो डे वाइज, मंथ वाइज। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट मोड एंड फीचर देखने को मिल जाता है वो है स्टॉपवॉच का, जिसको यूज़ करके आप लोग जो है
स्टॉपवॉच को एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस बात करें यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की जो कि है रिमोट का। इस फीचर को यूज करके आप लोग जो अपने फोन की काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो बिना अपने फोन को हाथ लगाए। लाइक यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कैमरा, म्यूजिक एंड एंटी लॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ कैमरा फीचर को यूज करके आप लोग सिंपली स्मार्ट वॉच से फोटो कैप्चर कर सकते हो बिना अपने फोन को हाथ लगाए। म्यूजिक वाले फीचर पर टैप करके आप सिंपली अपने स्मार्टफोन के म्यूजिक को डायरेक्टली स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड गाइस यहाँ पे जो एंटी लॉस फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज सपोज करो आपको अपना स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है तो सिंपली इस फीचर में जाओ एंड यहाँ पे आप फाइंड पे टैप करो, आपके स्मार्टफोन में रिंग बजेगी एंड आपको अपना स्मार्टफोन आसानी से मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है सेटिंग्स का। सेटिंग में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स एंड कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। जैसे आप इसका ऐप डाउनलोड करोगे यहाँ पे आप अपनी सारी की सारी एक्टिविटी काफ़ी डिटेल में ट्रैक कर पाओगे। एंड गाइस इस ऐप को यूज़ करके आप लोग जो अपनी स्मार्ट वॉच को भी ढूंढ सकते हो। सपोज करो आपको आपकी स्मार्ट वॉच नहीं मिल रही है, देन आपको सिंपली टैप करना है फाइंड डिवाइस पे एंड आपका स्मार्ट वॉच जो है रिंग होगा एंड आपको स्मार्ट वॉच डेफिनेटली मिल जाएगी। इसमें आपको रेस अप टू वेक अप डिस्प्ले वाला फीचर देखने को मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फुली फीचर लोडेड स्मार्ट वॉच है गाइस, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी। सो गाइस आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों। बिहाइंड द सीन्स एंड अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपको ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन दिस इज क्रिजिस्की एंड आई एम साइनिंग ऑफ।